हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। वर्क पावर एनर्जी, एक क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एज शोन। ये फिगर हमें दे रखा। द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज, अज्यूम ऑल सर्फेसेस टू बी स्मूथ एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज के। देखो, ये सरफेसेस स्मूथ हैं, ये सरफेसेस जो है वो स्मूथ है, और जब ये इसे स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, तो ये स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहा है, लेकिन जब ये इसे टकराएगा स्प्रिंग से तो ये भी मूव करेगा। तो जानते हो, ये पहले जब इसे टकराएगा तो पहले ये कंप्रेस्ड होगा, और ये तब तक कंप्रेस्ड होगा जब तक ये दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ सेम वेलोसिटी से ना मूव करें। पहले ये कंप्रेस्ड होगा, फिर जब ये दोनों एक साथ चलने लगेंगे एक ही डायरेक्शन में, कॉन्स्टेंट सेम वेलोसिटी से, तो वहीं वो मैक्सिमम कंप्रेशन माना जाएगा। जिसे लिखता हूं तब समझ में आता है, और डायग्राम बनाता हूं तब भी क्लैरिटी आती है। तो पहले एक लाइन लिखते हैं, सोल्यूशन शुरू करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझना इस लाइन को, समझना इसी इस लाइन का ही खेल है सब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है। The spring attached with a block of mass capital M on will compressed on will On will compress until both the particles, both the blocks, कह दूं, both the blocks start टू मूव टूगेदर। एक पॉइंट तो ये है, जैसे इसका डायग्राम बना दूं कि यहां पे जब ये स्ट्राइक करेगा ऐसे, दिस इज अ नेचुरल लेंथ, जब ये स्ट्राइक करेगा तो मान लो ये इतना कंप्रेस हो गया, ये स्मॉल एम है और ये सरफेस है और ये कैपिटल एम है, और ये इतना कंप्रेस हो चुकी है स्प्रिंग, ये एक्स स्ट्रेच कंप्रेस हो गई। अब ये पूरा के पूरा सिस्टम, ये पूरा के पूरा ये सिस्टम मान लेते हैं, ये एक साथ चल रहा है वी स्पीड से, ऐसे पहले ही रेस्ट में था, अब ये वी स्पीड से एक साथ चल रहा है। तो जानते हो, जब ये एक साथ चलेगा तो ये एक दूसरे पर, इस पूरे को एक सिस्टम मान लें, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग पर, स्प्रिंग इस पर फोर्स लगा रही होगी, तो ये आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि इसे पूरा एक सिस्टम मान लिया, और सिस्टम मान लिया तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो इंटरनल फोर्सेस बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलेंगे। भाई इस पूरे को एक सिस्टम माना है ना, तो सिस्टम में जब एक सिस्टम के अंदर वाले जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो इंटरनल फोर्सेस मानते हैं, और वो इंटरनल फोर्सेस है ना सिस्टम पर लगने वाला, एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मोमेंटम जो है, नेट मोमेंटम जो होगा सिस्टम का, वो कंजर्व रहेगा, सिस्टम का, पार्टिकल का नहीं, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये कोलिजन करने से पहले और ये कोलिजन करने के बाद, तो हम यहां लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम, एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, देयरफॉर जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, नेट मोमेंटम, नेट
मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम ये कांस्टेंट रहने वाला है, इसीलिए क्या लिखें, तो इनिशियल मोमेंटम कितना बेटा इसका पूरे सिस्टम का, तो इनिशियल पूरे सिस्टम को इसे इनिशियल सिस्टम मान लो, ये वाला इनिशियल सिस्टम है पूरा, है ना, तो कितना है एम वी नॉट प्लस जीरो, क्योंकि ये तो रेस्ट में है पूरी की पूरी, शुरुआत में तो ये तो रेस्ट में थी पूरा सिस्टम ये वाला, तो एम वी नॉट और इसका जीरो, तो इतना आ गया इज इक्वल टू, टकराने के बाद कितना हो गया, तो टकराने के बाद हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वी से एक साथ ऐसे, तो यहां से आप स्मॉल वी निकाल सकते हो एम वी नॉट और स्मॉल एम और कैपिटल एम, एक तो ही बात ये हो गई। दूसरी बात अब देखो, इसमें केवल और केवल स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स लगा रहे होंगे ये, और इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो ये एक दूसरे पे एक तो स्प्रिंग फोर्स लग सकता है इसमें, तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी तो हम लिख सकते हैं इसमें नाउ मैकेनिकल एनर्जी जो है इसमें कॉन्स्टेंट है, सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल का मतलब इससे है आपका, तो पहले ये जगह पे केवल काइनेटिक एनर्जी पहले ब्लॉक में तो है हाफ एम कितना वी नॉट का स्क्वायर, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है शुरुआत में, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है इसकी जीरो है, इनिशियल सिस्टम के लिखना है पहले इस साइड, इस पूरे को इनिशियल मानना हो ये फाइनल मानूंगा नीचे वाले को, है ना, तो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी है इसकी जीरो है, और देखो इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन ये स्प्रिंग अभी कंप्रेस नहीं हुई नेचुरल लेंथ में, तो एक्स जीरो है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक जीरो होगी, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं, तो दोनों को फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी हो गई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर, इस पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक लिखे हैं तो ये फाइनल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं तो हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर प्लस, अब देखो ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से क्या हुई है एक्स डिस्टेंस कंप्रेस भी हुई है, इसीलिए इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, बस इसको अब सॉल्व करना है ना, अब सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करें तो देखो क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसे कैसे तो कॉपी कर लीजिए, ये वाला फैक्टर तो कॉपी कर लीजिए, तो इसे तो लिख सकते हैं हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर और एक बटे दो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और इस वी की वैल्यू जो आपने निकाली है ये वाली वैल्यू पुट यहाँ कर दीजिए, अगर यहाँ पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे स्मॉल एम वी नॉट ओवर कैपिटल एम स्मॉल एम इसका होल स्क्वायर और इसका वी स्क्वायर और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो इससे ये कट गया, तो यहां पर इस वाले फैक्टर को आप इधर ले आइए, तो इधर कितना लाने पर कितना हुआ हाफ स्मॉल एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ स्मॉल एम स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, एक तो हाफ कॉमन ले लीजिए और एक आप स्मॉल एम और वी नॉट का स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे तो वन बचता है माइनस यहाँ पे स्मॉल एम बचेगा और नीचे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बचेगा इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया, ये स्मॉल एम ये वी नॉट का स्क्वायर और नीचे से एलसीएम ले लीजिए कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम इज इक्वल टू हाफ सॉरी हाफ तो कैंसिल हो गया के एक्स स्क्वायर। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा स्मॉल एम कैपिटल एम
वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई स्मॉल एम कैपिटल एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और यहाँ के का मल्टीप्लाई और रूट ले लेंगे तो एक्स निकले आएगा। तो रूट ले ले तो स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर के कैपिटल एम स्मॉल एम और ये वी नॉट का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर स्मॉल एम कैपिटल एम के कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और ये वी नॉट, ये रूट के बाहर आ गया। ये देखो ये रिजल्ट आ गया है ना, ये इसका ये रिजल्ट है। चेक करते हैं कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर सही है आपका, इससे मैच ये तो टू आ रहा है नीचे, इसमें टू नहीं आ रहा है हमारा, इसमें ये ठीक लग रहा है। हाँ यही लग रहा है ठीक, इसमें तो ये नहीं है, ये नहीं है, यही सेकंड चॉइस करेक्ट है बी। ठीक, पढ़ते रहिए और खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।